तो सबसे पहले तो सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा करता हूँ कि माँ आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ समृद्धि लाए और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। आप हमेशा परिवार और स्कूल का नाम रोशन करते चले, इतना नॉलेज आपको माँ दें। ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी माता से प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ आज अपन चैप्टर कंप्लीट करते हैं जो कि काफी दिन से चल रहा है। बीच में तिमाही एग्जाम आ गए थे, इसके कारण से वो लेट हो गया। अच्छा, स्टोमेटा का मैंने आपको ये डायग्राम, इसका एनिमेशन दिखाया था, वीडियो दिखाया था, कैसे ये खुलता है, कैसे बंद होता है, कैसे इसका आदान प्रदान करता है। तो ये रंध्र है जो कि वाष्पीकरण के दौरान खुल जाता है। वीडियो देखा था अपन ने इसका लास्ट क्लास में। तो ये चीज़ हम सारी चीज़ देख चुके हैं, आहार नलिका मनुष्य की, फिर उसका श्वसन तंत्र देख चुके हैं, कैसे एटीपी क्या काम करता है, फेफड़ों की संरचना कैसी होती है वो देख चुके हैं। उसके बाद वहन तंत्र में हम हार्ट कैसे काम करता है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ये देख चुके हैं। कैसे हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र का डायग्राम रहता है, कैसे हमारी कोशिकाओं और फेफड़ों में जो है वो ब्लड कैसे शुद्ध होने का काम करता है वो देख चुके हैं। उसके बाद लसिका क्या होती है वो देख चुके हैं। पौधों में परिवहन कैसे होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और आज जो है वो हम देखने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्या मनुष्यों के साथ साथ पौधों में भी उत्सर्जन होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, उत्सर्जन क्या होता है, उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आना चाहिए, उत्सर्जन क्या है क्या नहीं होता है। अब कोशिका जाहिर सी बात है खाना बना रही है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो खाना बना रही है, उस खाने का यूज भी कर रही है, तो उस खाने को निकालने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। वो खाना जो है ऊर्जा में बना लिया, ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कुछ वेस्टेज भी तो रहेगा ना उसमें, जो वेस्टेज हमारे काम का नहीं होगा। अब वो वेस्टेज कई तरह का हो सकता है। खाने के केस में वो हो सकता है जो हमारा मल बनता है, खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वगैरह निकाल दिए जाते हैं, और मल के रूप में जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है, वो हमारे लिए वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है। तो भोजन नली का वो सिंपल सा पार्ट है जो कि होता ही है। हम जो इसमें पढ़ेंगे वो उत्सर्जन में, वो ये पढ़ेंगे कि हमारा ब्लड लगातार जो है वो शुद्ध किया जा रहा होता है, किन के द्वारा, किडनी के द्वारा, और उसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है। एक्चुअली ये जो किड हमारा मूत्र होता है ना, मूत्र जो होता है वो यूरिया कंटेन करता है, हमारे जो पेशाब होती है वो यूरिया कंटेन करती है, और वो यूरिया हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो शरीर क्या करता है, वो ब्लड में से यूरिया को छान लेता है। कैसे छानेगा, छन्नी तो है नहीं कोई, वो छन्नी का काम करती है हमारी दो किडनियाँ। हमारे पास दो किडनियाँ होती हैं, पोजीशन अभी आप उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे कहाँ कहाँ होती है, एनिमेशन भी दिखाऊंगा उसका। तो वो दो किडनियाँ क्या करती हैं, खून को छानती हैं, और उसमें से जो वर्ज्य पदार्थ है, हानिकारक वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, वो जो है, केवल यूरिया नहीं और भी होते हैं, यूरिया जो है वो छान कर अलग कर लेती है, और फिर जब खून को छान कर वापस शुद्ध खून को वापस शरीर में भेज देती हैं, और जो वर्ज्य पदार्थ निकाला उन्होंने यूरिया जैसा, उसको क्या करती हैं, पानी में घोलकर शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इसी कारण से हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उत्सर्जन तंत्र बताऊं, डायग्राम दिखाऊं, एनिमेशन दिखाऊं कैसे किडनी काम करती है, उससे पहले एक वीडियो देखो। एक व्यक्ति ने कल ही ये वीडियो सामने आया था, क्योंकि YouTube आपको जैसा सर्च करते हो वैसा सजेशन देता जाता है। कल एक वीडियो दिखाया था इसने, YouTube ने मुझे, एक बंदे ने जो है वो यूरिया का अपने खुद के बाथरूम से यूरिया का निर्माण किया। तो देखते हैं, यूरिया फ्रॉम यूरिन, कैसे खुद की यूरिन से उसने यूरिया जो है एक्सट्रैक्ट किया। ये मैं One वीडियो final. कल देख चुका हूँ कल, To continue this month's apparent, तो the पूरा body वीडियो नहीं देख degrades पाएंगे and अपन। recycles its own protein. एवरेज यूरिन वॉल्यूम पर डे, हमारे जो वयस्क लोग होते हैं, जो आप जैसे मैं हूँ, आप लोग अभी टीन एज में हो, वयस्क मतलब मैं जो अधेड़, मतलब अधेड़ बीच की एज में जाते हैं, मिड एज में जाते हैं, अधेड़ भी बोल सकते हैं आप, अंकल अंकल जी टाइप बोल सकते हैं, जो अंकल जी टाइप जैसे लोग होते हैं, उनकी डेली जो है वो लगभग 1.5 लीटर, 1.4 लीटर यूरिन बनाते हैं, 1.4 लीटर यूरिन डेली बनाते हैं, जिसमें कंटेंट क्या क्या होता है, कंटेंट ये होता है, यूरिया होता है 25 ग्राम, क्लोराइड आयन होते हैं 6.6 ग्राम,
सोडियम आयन होते हैं 4.1 ग्राम, पोटेशियम आयन, क्रिएटिनाइन शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्रिएटिनाइन, और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, यूरिक एसिड होता है, ये जो है हमारे टिपिकली टिपिकली बोल रहे हैं, लगभग लगभग मात्रा है ये, इतनी सारी चीजें कंटेन करती है हमारी बाथरूम। तो यूरिया जिसमें से मेन है, देखो सबसे ज्यादा मेन पोर्शन जो सबसे ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है वो यूरिया ही है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, मैं ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, ये यूरिया जो है वो बॉटल में इकट्ठा कर लेते हैं और उसको जो है वो स्टार्टिंग में पहले गर्म करते हैं, उसको कढ़ाई में गर्म करके धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोसेस से उससे यूरिया निकाल रहे हैं। तो इन्होंने पहले गाढ़ा कर लिया, उसको आधा कर लिया, Pleasant. While holding my breath, I quickly took it off the burner and उन्होंने होल्डिंग होल्डिंग माय ब्रेथ, तो मैंने सांस रोक के रखा था मैं उस दौरान। जाहिर सी बात है, आप उसको सोचो कोई अपनी बाथरूम जो है वो गर्म कर रहा होगा तो कैसा लगेगा, उनके साथ वही हुआ। तो वो poured it जो है all in. वो, मैं उनका वीडियो पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अपने काम की जो चीज है वो दिखा रहा हूँ मैं। पहले बीकर में निकाला, और बीकर के बाद प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुए, यूरिया बना नहीं है, तो वो धीरे धीरे जो है वो लगातार उसमें केमिकल मिला रहे हैं। कौन से केमिकल मिला रहे हैं अगर आप वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो बेटा, मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूँ। यूरिया को उन्होंने नाइट्रिक एसिड से क्रिया करवाई, तो यूरिया नाइट्रेट बन गया है ना, यूरिया की क्रिया नाइट्रिक एसिड से करवाई, तो रिएक्शन वगैरह सब दे रहे हैं वो, कौन कौन से केमिकल मिला रहे हैं। केमिकल मिलाने के बाद कुछ इस तरह से झाग जैसा बन गया है ना, ये झाग बन गया। उसके बाद और ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो 15 मिनट का, तो मैं कितना दिखा पाऊंगा, नहीं दिखा पाऊंगा। उसके बाद अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये यूरिया नाइट्रेट बना है, और भी उसमें लिक्विड करके और उसको क्रिस्टल के फॉर्म में ले आए, क्रिस्टल के फॉर्म में। अभी भी उसको पूरा नहीं बना है, तो उसको गर्म कर रहे हैं, अब वाष्पीकृत करना है ना, पूरा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद लगातार पानी मिलाते जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, केमिकल मिलाते जा रहे हैं, प्रोसेस करते जा रहे हैं, आखिरी में जो उनको ये निकल कर आएगा बिल्कुल लास्ट में, वो एक्सट्रैक्शन होगा यूरिया का, इस तरह से दिखेगा। Dry overnight, and the final mass was about 7.8 grams. I have no idea how much urea I actually had in my pee. ये 7.8 ग्राम यूरिया उनकी, एक जितनी भी यूरिया उन्होंने ली थी वो इन्होंने यूरिया में कन्वर्ट कर दी, 7.8 ग्राम यूरिया उन्होंने But I बनाया हुआ है इससे। imagine this is a really low recovery. उनको नहीं मालूम कि उसके बाथरूम में कितनी यूरिया थी, वो बता रहे हैं, लेकिन ये जो है यूरिया जो है वो उन्होंने बाथरूम से बनाया। From my research, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, यूरिया इस तरह का दिखाई देता है, और नॉर्मली हम खेतों में यूज कर रहे होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यूरिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है ना। अगर यूरिया का आप फॉर्मूला देखेंगे तो यूरिया का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी, CH4N2O नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसलिए यूरिया जो है वो खाद के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में जो है आप बोल सकते हो वो खाद नहीं है, वो उर्वरक है, उर्वरक के रूप में खेतों में यूज किया जा रहा होता है, काय की कमी के लिए, नाइट्रोजन की कमी के लिए पौधों में, तो वो यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो ये चीज मैंने आपको दिखाई। अच्छा किडनी जो है वो कैसे काम करती है, किडनी का रियल व्यू फिर से देखेंगे एक बार, कैसे रियल में कैसे दिखती है किडनी। जो डेफिनेशन लिखी हुई है सर्जन की वही लिखी हुई है, अन्य उपापचयी क्रियाओं से जनित नाइट्रोजन पदार्थों का निकालना आवश्यक है, वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। तो वह जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसके जिसमें इन हानिकारक उपापचयी शब्द आपको याद रखना पड़ेंगे, इसलिए बुक होती है अपने पास, शब्द जो कमी पड़ जाती है, उपापचयी, उपापचयी शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उससे उत्सर्जन कहते हैं। उपापचयी किसको बोलते हैं, किसी को याद हो तो, उपापचयी प्रोसेस भैया किसको मैं बोले, मेटाबॉलिज्म, बहुत बढ़िया, मेटाबॉलिज्म मतलब इंग्लिश में बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसको पता है, हालांकि मुझे मालूम है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि ऐसे जीवधारियों का वो प्रक्रम जिसके तहत वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं बाहर से, और उस ऊर्जा से अपने में यूज कर रहे होते हैं, उस ऊर्जा को अपने में यूज कर रहे होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम कहलाता है, उपापचयी कहलाता है। तो हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को, वर्ज्य मतलब कि जो हानिकारक है, वर्ज्य मतलब वेस्ट है, वेस्ट पदार्थों का निकाल निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न युक्तियां अपनाते हैं, बहुत से एक कोशीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से ही जल में विकसित कर देते हैं, जैसा कि हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। जो एक कोशीय जीव होते हैं अमीबा और पैरामेशियम जैसे, वो लोग अपनी सतह से ही जो है बुलबुले के रूप में गैस निकाल देते हैं और बस खत्म हो जाता है उनका मामला, तो उनका सतह से जो है वो अपने जो उत्सर्जन रहता है वो कर देते हैं सतह से ही अपने।
और हम जैसे जटिल जीव जो होते हैं, मनुष्य और जानवर जैसे, उनमें बाकायदा एक सिस्टम होता है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है, पहले एनिमेशन देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है इसमें, बस हाँ देख लेते हैं एक बार मानव का। तो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूँ, दो किडनियां होती हैं। अच्छा, ये जो बाई किडनी होती है दाई किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है और ऊपर साइड होती है। दोनों किडनी एक ही लेवल पे नहीं होती है, दाई किडनी थोड़ी सी नीचे रहती है, बाई किडनी थोड़ी सी ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर लीवर आता है ना, लीवर आता है, तो लीवर के कारण से ये वाली किडनी थोड़ी सी नीचे दब जाती है और इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं बढ़ पाती, छोटी रह जाती है। तो बाई किडनी थोड़ी सी बड़ी होती है और ऊपर की तरफ होती है, दाई किडनी थोड़ी सी छोटी होती है और नीचे की तरफ होती है, थोड़ी सी ज्यादा, स्लाइटली थोड़ा सा बिल्कुल अंदर रहता है। ये किडनियां यहाँ पर होती हैं। ये जो तो पीछे नली ये दिख रही है आपको, बड़े बड़े नले से, नली से आते हुए, इससे ब्लड आता है किडनी में और किडनी से फिर छनता है वो। छनने के बाद जो है वो वेस्टेज पानी में मिलाकर इस नली के द्वारा हमारे मूत्राशय में चला जाता है, और मूत्राशय में पानी इकट्ठा रहता है। जब ये मूत्राशय भर जाता है तो संकेत भेजता है मस्तिष्क में, जैसा कि हम सब में देखा है, वो यहाँ की कोशिका फोन लगाते हैं मस्तिष्क को, मैं भर गया हूँ, बाहर खोलो मुझको, बाहर निकालो। तो उस दौरान जो है फिर आपको उस पानी को बाहर निकालने के लिए यहाँ का मस्तिष्क वॉल खोल देता है एक तरह से, और वो फिर पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। एक बार देखते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, स्पेलिंग मुझे भी नहीं मालूम। एक्सक्रीशन, सही लिखिए आप, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन प्लास्टेंट। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस का एनिमेशन देखेंगे अपन केवल, कि कैसे काम करता है एनिमेशन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नेफ्रॉन क्या होता है? जैसे हमारा आपको मालूम है, हमारे सब चीज जो है वो ऊतकों से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे ऊतकों से मिलकर बने हुए। हमारी किडनी जो है ना, उसको अगर हम छोटे भाग में और भागेंगे, वो कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की एक तरह से इकाई जैसे है, कई सारे नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। नेफ्रॉन क्या है वही इसमें देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या है और कैसे उत्सर्जन Objective, काम करता है। to understand the structure of a nephron in detail. तो नेफ्रॉन की संरचना ज्यादातर बता रहे होते हैं सब लोग, क्योंकि वो जो उत्सर्जन होता है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, नेफ्रॉन बता के एनिमेशन में कवर कर लेंगे The वो। excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. A magnified view of the longitudinal section of kidney shows two prominent regions. दो किडनी होती हैं, किडनी के अंदर का भाग दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये कैसा होता है। अभी रियल किडनी भी दिखा रहे हैं, ज्यादा डेंजरस नहीं है, वो वीडियो देख सकते हो आप, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किडनी के अंदर जो है, यहाँ पर जो है, ये नेफ्रॉन की संरचना पाई जाती है। नेफ्रॉन बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, बस एक कुछ नलिकाओं का गुच्छा जैसा होते हैं। क्वालिटी मेन अच्छी है, 480 दिखा सकते हैं इसमें। इस तरह के रियलिटी में ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नलियां जैसी रहती हैं। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वुमन कैप्सूल, इसको अभी हिंदी में अपन नाम देख रहे हैं नेफ्रॉन की संरचना। या नेफ्रॉन की संरचना से पहले उत्सर्जन तंत्र को बता दो कैसे काम करता है। उत्सर्जन तंत्र तो बताओ कम से कम हमें पहले, तब तो नेफ्रॉन पढ़े। सॉरी, तो एक्सक्रीशन, हाँ ये है उत्सर्जन, ये अच्छा वीडियो होगा। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटालिक वेस्टेज, ऐसी जैव जैव प्रोग्राम जिसके तहत हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसमें हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, मतलब उसमें ऑक्सीजन का आसन आदान प्रदान होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि वहन तंत्र, जिसमें हम हार्ट पढ़ते हैं और ऑक्सीजन बह रहा होता है। ये तीन तंत्र हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो एक कोशीय जीव होते हैं वो कैसे अपनी त्वचा के माध्यम से ही उत्सर्जन कर रहे होते हैं, जैसे ये कोशिका है, यहाँ से क्या हुआ, ये वेस्ट पदार्थ इनकी त्वचा से बाहर निकाल दिए जाते हैं, फूड वैक्यूल से बाहर निकाल देते हैं। मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसको हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। इसमें दो विशेष ऑर्गन ऑर्गन होते हैं जिसको हम किडनी बोलते हैं, ये बाई किडनी कहलाएगी और ये दाई किडनी कहलाएगी, आपको दिख भी रहे हैं वो। ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, शेप जो है वो जैसे सेम बल्लर का बीज होता है ना, वैसा ही इनका भी शेप होता है, शेप लगभग लगभग वैसा ही होता है। और ये किडनी जो है क्या करती हैं, देखो इन किडनी में कैसे खून जाता है वही चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, दो किडनी रहती हैं, किडनी के बाद जो है राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, बाई किडनी और दाई किडनी।
उसके बाद मूत्र वाहिनी होती है जो कि मूत्र बना रही होती है। राइट यूरेटर मतलब कि मूत्र वाहिनी को भी दो भाग में बांट दिया, बाई मूत्र वाहिनी दाई मूत्र वाहिनी, ये मूत्र कंटेन कर रही होती है। और यहाँ पर ब्लैडर होता है, ये बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाथरूम बनाने पर फूल जाता है और सिकुड़ जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और किडनी जो है वो पीछे की तरफ से ज्यादा होती है, पीछे की तरफ होती है हमारे, मतलब किडनी सामने, अगर सामने दर्द हो रहा है ना पेट, तो वो किडनी दर्द नहीं होती, पीछे साइड होता है किडनी में दर्द, आपकी पीठ साइड होता है, पीठ साइड होती है, ये पीछे साइड होती है किडनी हमारी, जो स्ट्रक्चर होता है इसका। और किडनी में क्या होता है, इसमें ये जो आई हुई है एक प्रकार का एक संरचना बनाती है, कप शेप्ड संरचना बनाती है किडनी। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट का नेफ्रॉन, कप जैसी संरचना बनाती है ना, इसी में जो है कई सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारी, ये कप जैसी संरचना बनाती है। यहाँ पर जो ये धमनी शिराएं आती हैं, जो ये आई हुई है कप जैसी संरचना बनाती है, और वो कप जैसी संरचना में क्या होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अभी आप, Called ये nephron. इस तरह की संरचना होती है नेफ्रॉन की। अभी आपने एनिमेशन में भी देखा था, उस वाले एनिमेशन, इस तरह का नेफ्रॉन की संरचना होती है जिसमें वोमन संपुट होता है वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, नेफ्रॉन के बारे में भी जानेंगे। वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, वही मेन काम कर रहे होते हैं खून के छानने का। जैसे कि मान लो आपने देखा ना, फेफड़ों की इकाई क्या होती है, कूपिका, बहुत सारी कूपिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं फेफड़े। कूपिकाएं क्या कर रही होती हैं, ब्लड को ऑक्सीजन ले रही होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल रही होती हैं, वहां पर जो है वो कूपिकाएं काम कर रही होती है फेफड़ों में। वैसे ही किडनी में कौन काम कर रहा होता है, नेफ्रॉन्स काम कर रहे होते हैं। हर एक नेफ्रॉन जो है वो खून को छानने का काम कर रहा होता है, अभी देखेंगे कैसे। That नेफ्रॉन जो है वो pairs खून को together छानता है और शुद्ध the खून को, waste ये products. देखो ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से आया, नाइट्रोजन वेस्ट, वो डार्क कलर का दिखाया, वो शिरा शिरा जैसा कलर है, उसमें से खून आया, जिस खून ऐसा खून आया जिसमें गंदगी नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ मिले हुए हैं, अमोनिया जैसे वो पदार्थ जो है मिले हुए हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो किडनी में आ The रहा है, और nitrogen is किडनी में आने के wastes बाद that are उनको जो है collected वो from छाना जा रहा blood है, और in form of छानकर urine. जो यूरिन बनाई जा रही है उसको मूत्र वाहिनी में भेज दिया जा रहा है, और शुद्ध खून जो है उसको धमनी से वापस बॉडी में अंदर भेज दिया जा रहा है। आई The होप समझ में progesterone आ रहा urine होगा, passes through सिंपल सा ureters प्रोसेस है, ज्यादा कोई into टफ नहीं। urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर होता है, The urine is stored जो in the यूरिन होती है urethra. वो ब्लैडर में ही कवर हो रही होती है, ब्लैडर में ही होती है तो। और यूरेथ्रा जो है वो नीचे वाला वाल जैसा होता है जो कि खुल जाता है जब ब्लैडर भर जाता है तो। How और हम urine सब is में देखा है produced. आपने, रेयर केस में वो फट The भी सकता है process ज्यादा of देर तक urine होल्ड करेंगे अगर formation आप takes यूरिन को, place in three steps. ब्लैडर, हाँ One, स्ट्रेच ज्यादा हो जाएगा। filtration. Two. प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप, तीन चरणों में होता है बाथरूम बनने का निर्माण, मूत्र बनने का निर्माण तीन चरणों में होता है। पहला फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब कि छनन छानना, रीअब्सॉर्प्शन हिंदी में बोलते हैं पुनः अवशोषण, और तीसरा होता है Reabsorption, एक्सक्रीशन होना चाहिए, three. सेक्रेशन, सेक्रेशन मतलब कि बाहर निकाल देना। फिल्ट्रेशन मतलब कि उसमें खून को पहले छाना जाता है, फिर उसके बाद बचे हुए खून को फिर से छाना जाता है। रीअब्सॉर्बेशन मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अच्छे पदार्थ होते हैं खून में से, उसको अलग कर लिया जाता है और वापस खून में मिला दिया जाता है। पुनः अवशोषण में वापस खून, अच्छे खून को खून में मिलाना पुनः अवशोषण कहलाएगा। और सीक्रेशन मतलब कि जो फिल्टर किया हुआ पदार्थ रहता है यूरिया जैसा, उसको पानी में घोलकर बाहर निकालना सीक्रेशन कहलाएगा, हिंदी में बहिर्क्षेपण बोलते हैं इसको, बाथरूम को बाहर निकालना। तीन तरह से प्रोसेस होती है, पहले उसको छाना, फिर उसके बाद रीअब्सॉर्बेशन मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स चले गए थे अच्छे, जो हमारे शरीर के काम की चीजें, वो वापस ब्लड में घोल दिए जाते हैं। और सीक्रेशन मतलब कि जो छान कर जो वेस्ट निकला उसको पानी में घोलकर बाहर निकालना सीक्रेशन कहलाता सिक्रेशन, है। ले तो वहीं पूजा जाए फिल्ट्रेशन, बोलते, तो द नाइट्रोजन इज पहली वेस्ट. प्रोसेस फिल्ट्रेशन, छनन क्या होता है हिंदी में, शायद उसको और कुछ बोलते होंगे, अभी पढ़ेंगे बुक में। द नाइट्रोजेनस वेस्ट सच एज यूरिया यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड इन किडनीज, जो छनन कराया जाता है खून को छाना जाता है सबसे पहले, वेस्ट उससे क्या बनता है, सच एज यूरिया यूरिक एसिड यूरिया, बनते हैं। तो यूरिक ये एसिड are इस removed तरह से from आता है blood किडनी के into नेफ्रॉन में, kidneys. और वो The किडनी क्या करती है process of उसको urine छान रही formation होती takes है, place फिल्ट्रेशन कर in रही होती है। इसको nephron. बोमन संपुट बोलते हैं, नेफ्रॉन का वो हिस्सा जहाँ पर मेन गुच्छा होता है कोशिकाओं का, वहाँ वो छान रहा होता है ब्लड को, इसको बोमन संपुट बोलते हैं। नेफ्रॉन का एक भाग है बोमन संपुट, कप के आकार का होता है ये, तो ये बोमन संपुट होता है जो फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, ये नेफ्रॉन की संरचना Reabsorption. है। फिर उसका पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण में जो अच्छे पदार्थ होंगे उसको वापस खून में मिलाया Some जाएगा, substances like glue.
substances like glucose, amino acids, salt and measure of water which are filtered along with nitrogen waste are reabsorbed. जो कि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ कुछ अच्छे पदार्थ भी रहते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स मतलब लवण, और मेजर ऑफ वाटर बहुत सारा पानी, उसको वापस से क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है, वापस से उसको अवशोषित किया जाता है फिर से, ताकि ब्लड में घोलकर वो वापस घोला जा सके और जो वेस्टेज है बस वही निकाला जा सके. salts, ये चीज यहाँ पर आ रही है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स जो अच्छे काम की चीज है. The amount of water reabsorbed depends on उसमें नाइट्रोजन वेस्ट भी रहता है, वो भी निकाला जा रहा है उसमें. And dissolved waste along with wastes. Secretion. वेस्ट भी जा रहा होता है. Reabsorbed components of wastes are secreted into the blood. नेफ्रॉन में क्या किया जा रहा है, नेफ्रॉन में, अच्छा उन्होंने बोमन संपुट से यहाँ पर बोमन संपुट से जो चीजें निकल के आए उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनी वर्ज पदार्थ सब चीज होती है बोमन संपुट से निकलकर. यहाँ नहीं छाना गया है, छाना तो गया है, खैर छाना गया है, और मेनली जो है वो खून को, खून में से इन चीजों को अलग कर लिया गया है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनी वर्ज पदार्थ है उनको अलग कर लिया गया है, और वो नीचे आएंगी और फिर नेफ्रॉन में ही जो है उसका रीअब्सॉर्बेशन किया जाता है, पुनः अवशोषण किया जाता है. उसके बाद जो है सीक्रेशन में क्या करते हैं, सीक्रेशन में जो वर्ज पदार्थ मिले हुए हैं उसमें से जो हमारे काम की चीज है वो धमनी में भेज दिया जाएगा, वापस शरीर में चली जाएगी, और जो वेस्ट रहेगा, वेस्ट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा. देखो जो हमारे काम की चीज थी, ग्लूकोज हो गया, कुछ सॉल्ट हो गए, अमीनो एसिड हो गया, जो हमारे बॉडी को काम की चीज है वो अलग कर लिए जा रहे हैं, और जो वर्ज पदार्थ थे येलोइश उसको जो है वो सीक्रेशन के लिए आगे निकाल दिया जाता है, वो शरीर से बॉडी में निकालने के लिए आगे बढ़ा देते हैं. इतनी बड़ी होती है ये, इतना पोर्शन होता है इस पूरे में, वही हो रहा होता है अवशोषण हो रहा होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स जो है वापस ब्लड में घोले जा सके और वर्ज पदार्थ जो है वो वापस मूत्र के में आगे बढ़ जाते हैं, इस नेफ्रॉन से आगे बढ़ जाते हैं, जो कि मूत्र निर्माण का मैकेनिज्म कैसे काम करता है. यूरिन फॉर्मड इन किडनी एंटर्स इनटू अ लंग, जो यूरिन बनी नेफ्रॉन ने बनाई जो यूरिन, वो जो है मूत्र वाहिनी से होते हुए नीचे आती है. मुझे पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, ये मूत्र वाहिनी से होते हुए नीचे आ रही होती है यूरिन, और वो ब्लैडर में जुड़ी हुई रहती है, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठी होती जाती है. ब्लैडर जो है वो बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले ही बताया, जब वो फुल हो जाता है उस फुल होने के बाद जो है उसको मस्तिष्क के संकेत भेजता है कि पूरा भर गया है, फिर उसके बाद उसको जो है वो निकाला जाता है, यूरेथ्रा से निकाला जाता है. Until it reaches to the urge to pass urine. As the urinary bladder is muscular and it is under the control of nervous system. जो ब्लैडर होता है वो हमारे सीधे सीधे नर्वस तंत्र से जुड़ा रहता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है, और हमारा माइंड उसको आसानी से कंट्रोल कर रहा होता है, कब वो फुल हो गया है वो अपने आप संकेत भेजता है, और वो यूरिनेट करने के लिए उसको कब यूरिन बाहर निकालना है तब जो है वो काम कर रहा होता है. इस तरह से हमारा ये सिस्टम काम कर रहा होता है. अच्छा रियल वाली किडनी देखें आप थोड़ी सी, रियल किडनी कैसी होती है. And then the bladder, which is just a storage facility for the urine. You are looking at a left. Real kidney है इस तरह की होती है, left kidney है, और real में इस तरह की होती है. Because this ureter. Quality थोड़ी सी बढ़ाएं, इसकी तो अच्छी हो सकती है quality. इस तरह की दिखाई देती है. तो real में ऐसी दिखाई देती है. अच्छा size देख रहे हैं थोड़ा सा. उनके हाथ में ही बन गई है, उनके हाथ में ही एक बन गई है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर की होती होगी मेरे ख्याल से. अब उसके अंदर खोल के दिखाते हैं जब इसको काट के, तो किडनी अंदर से ऐसे दिखाई देती है रियलिटी में. और नेफ्रॉन यहाँ पर दिख नहीं सकते, बहुत छोटी संरचना होती है नेफ्रॉन की, तो ये इस तरह से दिखाई देती है. अलग अलग ये धमनी शिराएं इसमें दी हुई हैं, मेरे ख्याल से इतना ही काफी होगा देखना. मेन चीजें तो उन्होंने बता ही दी है कि इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपने काम की चीज नहीं है, ज्यादा डीप में है. जो स्टोन बनते हैं ना वो यहीं बन जाते हैं, किडनी स्टोन जो है वो किडनी में यहाँ जमा होते जाते हैं इकट्ठे.
उसको निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कई होम्योपैथिक उसमें एसिड दिए जाते हैं खाने के लिए, वो एसिड क्या करते हैं उस कैल्शियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर वो छनने, फिर वो जो है वो मूत्रवाहिनी में जाती चली जाती है स्टोन, और फिर मूत्र से निकल जाती है। तो किडनी स्टोन में ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिए जाते हैं दवाइयों के रूप में, जिससे वो पत्थर जो स्टोन बन गया है वो पिघल जाए एसिड के कारण से, क्योंकि है तो वो कैल्शियम है। तो इस तरह की रियल किडनी होती है। अब देखते हैं मानव में लिखा हुआ है क्या क्या लिखा हुआ है। बाई वृक्क धमनी, बाई वृक्क धमनी, बाया वृक्क, बाई वृक्क शिरा, महाधमनी, बाई मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्नमें, जो पेनिस होता है ये मेल का सिस्टम है, मेल में होता है पेनिस, फीमेल में नहीं होता है, वही अंतर होता है फीमेल और मेल में बॉडी पार्ट में, वो जो दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है पूरे पार्ट्स दिए हुए हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाली बात है, आप अभी एनिमेशन में देख चुके हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, रीढ़ की हड्डी के मतलब पीछे साइड होते हैं, है ना। तो इसको पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि टाइम हो गया, एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।